ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अगले साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत शुरू की गई भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर गुरुवार को पहले बड़ी खबर आई थी कि कोरोना संकट के मद्देनजर जन आक्रोश यात्राओं को स्थगित कर दिया है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही पार्टी ने फैसले को बदल दिया और शाम को कहा गया कि यात्राएं पहले ही समाप्त हो चुकी है, अब जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि केंद्र की गाइडलाइन नहीं आने से कुछ असमंजस की स्थिति थी, हालांकि अब उन्होंने स्पष्ट किया है कि जन आक्रोश सभाएं कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए जारी रहेगी। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में स्थिति साफ की। पूनिया ने कहा कि अभी क्योंकि जन आक्रोश सभाएं होनी है, 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई, क्योंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है। कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था, लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कन्फ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जनाक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है, और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें आगे तक इसी तरीके से जारी रखना है, जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बताया कि 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार के खिलाफ, कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं संपन्न हुई हैं। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया है। 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हम लोग चले हैं और 92 लाख पर्चे हम लोगों ने बांटे हैं। 14 लाख लोगों के शिकायतों को हम लोगों ने संकलित किया है, और इस लिहाज से इन यात्राओं को सरकार के खिलाफ एक बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया है। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ी भीड़ को लेकर सवाल खड़े किए थे। इस दौरान मांडविया ने कांग्रेस से कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने की बात कही थी, जिसके बाद से लगातार कांग्रेसी नेता भी बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। इस कारण किसी गफलत में आकर पहले यात्रा के स्थगित की सूचना गलती से सार्वजनिक हो गई थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।